रोल बहुत ही प्यारा बहुत प्यार मिल रहा है सॉन्ग को किस तरह से पहुँच आ रहा है आपको बताना चाहूँगा बहुत लाइक मुझे तो ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं लोग प्ले कर रहे हैं आई मीन इट्स अमेजिंग इट्स माइंड ब्लोइंग आई हैव सो मेनी मैं आधे मैसेजेस को पढ़ भी नहीं पा रही इनफैक्ट हमारे म्यूजिक डायरेक्टर शिवराम सर मुझे उन्होंने कल व्हाट्सएप किया 500 मैसेजेस कहाँ से पढ़ूँ तुम्हारे गाने के अभी हमारा गाना है बट ही इज़ गेटिंग कॉल्स फ्रॉम लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स दैट दे वांट टू वर्क विद अस हमेशा मुझे याद है कि पंजाबी गाने हमेशा चलते हैं मुझे आज भी याद है 20 साल पुराना गाना मैं आज भी सुनता हूँ आज भी गाने में वो फील है टक टक सकती है जो कोई भी अगर इंसान अगर शादी में गया है या क्लब में गया है तो ये गाने में इतना पावर है कि आपको खड़े भी डांस करना पड़ेगा इसकी इतनी अच्छी तो वैलेंटाइन इज ऑल अबाउट लव मेरी अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा होता है क्रिएट योर ओन लव स्टोरी है ना तो प्लीज क्रिएट योर ओन लव स्टोरी बाय यूजिंग आवर सॉन्ग रील्स बनाओ प्रपोज करो तक तकनीक के साथ थोड़ा छेड़ाछाड़ी करो अपने लव के साथ एंड का मतलब ही है लव एट फर्स्ट साइट मतलब पहली बार देखा और प्यार हो गया तो अच्छा होगा सबके पास में रील बनाओ और जो भी रील अच्छा होगा मैम के दूसरे दिल रुबा में आपको फीचर करने का दिल बरा में हाँ हमारा कॉन्टेस्ट चालू हुआ है जिसमें जो सबसे अच्छी रील बनाएगा उसको हम फीचर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में मेरा गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है दिल बरा So this is an opportunity guys, come on. Guys, what are you waiting for? Grab it. Yes. Dara, start karo this banana. सहन से मेरे बीइंग अ टिपिकल पंजाबी आई बहुत शादियाँ अटेंड किए तो मैं भी हूँ मैंने गाना लिखा मुझे बहुत मज़ा आया लिख के इतना मज़ा आया गान गा के एंड आई लाइक स्प्रेड दीज वाइब्स एवरीवेयर सो आई एम 100% श्योर कि जो भी सुनेगा खुश होगा वाइब अच्छी होगी और नाचेगा मुझे ना एक्चुअली आज मैं गाना लिख रही थी तो आई वॉन्टेड टू यूज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ड मैंने बहुत सोचा पंजाबी में कौन सा वर्ड है जो यूज़ नहीं हुआ देन आई थॉट अबाउट तक तक नहीं आई ये तो यूज़ करना ही पड़ेगा मेरे को भी जो गाना भेजा तक तक ने मैंने सुना मुझे पहले भी वो लाइन ही अच्छी लगी तक तक कुछ तो है गाने में है और पूजा जी सबसे लिखा है और डांस किया है इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया है आप दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी जोड़ी लग रही है जोड़ी हिट होने वाली है क्या कुछ और अपनी जोड़ी के बारे में आई टेल यू वन थिंग अबाउट दिव्यांग दिव्यांग के साथ काम करके कभी लगा नहीं कि इन्होंने इतने इतना काम किया है बहुत सारे एपिसोड जोड़ा फिर से पता नहीं मेरे को पता भी नहीं था मुझे बाद में पता चला जब इन्होंने लिस्ट भेजी मुझे ही सो डाउन टू अर्थ वेरी कोऑपरेटिंग जब भी बोलो हाँ मैं आ जाऊँगा हाँ टेंशन नहीं है चाहे वो कॉस्ट्यूम हो कुछ भी हो इज़ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ वेरी एडजस्टिंग और आज तक एक बार भी नहीं कहा कि यार मैंने ऐसे किया या नथिंग ही जस्ट गिव्स हिज बेस्ट आई फील सो मैं तो यही कहूँगा जो आपको बता कि आपके टीचर जो लड़की हो रही है टीचर भी है राइटर भी है सिंगर भी है एंड शी सो डाउट मतलब हर चीज़ से लिबर्टी दिया काम करने के लिए अच्छा लगा साथ में काम करने आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हर और आगे काम करेंगे देखते हैं लगती है दिव्यांग जी सॉन्ग में देखा गया आपको बंद करके रखा गया उसमें वो कई मेमोरी नॉक पे बचाया गया है वो रियल में वहाँ पे प्रोड्यूसर और राइटर सिंगल वाइन दिखा कि बंदूक की नॉक पर इमेजिनेशन वहाँ पे चले जाते हैं किडनैप कर रहे हैं भाई मैंने आप ये सॉन्ग देखेंगे ये सॉन्ग में एक 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 स्टोरी चल रही है जी जी ये चार कुछ के ना हमने ऐसे एग्जैक्टली मेरा स्टोरी है एक मूवमेंट डाला कि स्टोरी चल रही है कि पहली बार देखा प्यार हो गया डीजे बजा रहा हूँ पहली बार देखा प्यार हो गया देन वो डांस कर रही है मुझे किडनैप करवाती है इमेजिनेशन में जाती है कि वो कि बहुत सारा डांसिंग ना डीजे फिर वो एकदम फ्लैश बैक से बाहर निकलते देखते थे यार एंड इश्क माशाल्लाह से आपको तो पब्लिक बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी एंड प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं क्या कर बहुत सारे कर लिए ना अभी रिसेंटली फिल्म की है बाप जो कि 4 स्टार्स में अहमद खान की फिल्म है जिसमें सनी बाजी है
अपने मिथुन दा है, जेके श्रॉफ है, सनी देओल है। तो मेरा जो काम था वो जेके दा के साथ में था। और सीरियसली हम तो जब बचपन में बैठे हुए थे, जब उनको देखा था तो पहली बार स्क्रीन साथ में मौका मिला स्क्रीन शेयर करने का, तो बहुत ही मजा आया। बहुत लिबर्टी थी उन्होंने काम करने की, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार साथ में काम कर रहा हूँ। मुझे लगा मैंने बहुत सारा काम किया उनके साथ में, वो फील है, उनने वो उतना स्पेस दिया साथ में काम करने, तो वो भी यार मैं बोल तो बोल रहा हूँ कि मीरा साहब मेरा मोस्टली काम जेपी के साथ में था, बट हम कह देंगे वो सेट का उनका जो एक एनर्जी है वो अलग लेवल की है। वो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होने कि आप छोटे आर्टिस्ट, वो आपको उतना ही बड़ा दर्जा देंगे जितने वो आर्टिस्ट, वो हर चीज़ में आपको कॉपरेट करेंगे, आपको थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद जेपी श्रॉफ, मिथुन दाइन के साथ। बाबा थे नहीं, बाबा के साथ मेरा सीन नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ गुड नहीं था, बट बाबा का सुना है, बाबा सेट पे है, मेरा जाना हुआ उनका आना हुआ, बट आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ बाबा, साथ में काफ़ी इवेंट किए बाबा के साथ, वो भी वो दिल के राजा है, सभी जानते हैं बाबा को। बहुत पहले काम किया था, बट मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट जो जहाँ भी है वो बस मैं यही प्रे करूँगा कि वो खुश रहे, शांत रहा, उनकी आत्मा को शांति मिले भगवान। और जैसा मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि ये फ्रेम ऑफ माइंड होता है आपका, आज की लाइफ हम देखते हैं कि स्ट्रेस भरी लाइफ होती है, वो फ्रेम ऑफ माइंड में वो फ्रैक्चर ऑफ सेकंड आपके दिमाग में क्या आएगा आपको नहीं पता, बस हम यही जाएंगे, विश करेंगे कि वो जहाँ कहीं भी हो। मैंने म्यूजिक लेबल जो चालू किया है, चलो रहा मेरा गाना, एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर लॉट ऑफ न्यू कमर्स, नॉट ओनली आर्टिस्ट एज इन सिंगर्स बट एक्टर्स, कोरियोग्राफर्स, लॉट्स मोर। सो इफ यू थिंक यू हैव द टैलेंट, प्लीज कनेक्ट विद अस, वी हैव द ओपन प्लेटफॉर्म फॉर यू। दिव्यांग सर, यू हैव डन काफ़ी सारे अपने करेक्टर किए हैं, आप कौन सा करेक्टर ऐसा लाइक करते हो कि हाँ मुझे ये करना है आगे चल के, ये करेक्टर मेरा मन पसंद है? यार मेरी स्टार्टिंग बहुत पहले हुई थी, 2007 में हुई थी, मेरा जो एक्टिंग कोर्स मैंने किया था वो रणवीर सिंह साहब ने था, हम तीन मेरे बैचमेट के अच्छे वाले दोस्त, अभी भी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। ऐसा मैंने एक रोल किया था बहुत पहले ऐसे 2010 में, एक कुंदन करके एक रोल था जो सारा पे आता, जो मेरे दिल के काफ़ी करीब, अभी तक दिल के करीब है। मैं ज़्यादा वो रोल मतलब विलेन वाला रोल मुझे सूट करता है, मैं दिखता हूँ थोड़ा भूला टाइप का, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव शेड में अभी भी कुछ कोई भी अप्रोच करता हूँ नेगेटिव शेड जाता है, बाकी मैं बहुत पॉजिटिव बनता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं चाहूँगा। शाहिद कपूर ने कबीर सिंह में किया है, मुझे वैसा लोग बहुत पसंद। जब हम कोई गाना या पिक्चर कुछ कोई भी चीज़ ऐसे क्रिएट करते हैं, तो कितना नर्वस थे आप जब ये कर रहे थे, कि कैसा था, एक्साइटेड थे, नर्वस थे? ये गाने की सोलह पान खा के मैं सोच रहा हूँ पान भाई मेरा पूरा पेट भर गया। अच्छा बेचारे ने दो पानी बचे करना ही पड़ेगा, अभी कौन जाएगा सर, इट वॉज फन टू शूट विद हर, सो मच सो मच फन, आई डिडंट कंप्लेन एट ऑल, एंड काफी सारी टीम ही अच्छी थी, सब सपोर्टिव थे, मजा आया साथ में काम करके, बहुत अच्छा था, सारी टीम बहुत सपोर्टिव थी, सबने बहुत मदद की, सब बिल्कुल एंजॉय। लास्ट कोई मैसेज ऑडियंस से? मैसेज ये है कि हम बहुत सारे गाने और लेके आ रहे हैं, मेरा नेक्स्ट सॉन्ग है दिल भरा, जो शूट होने वाला है, इट्स अ बिल्कुल हिंदी गाना जो मैंने लिखा है, आयुष के साथ गाया है, और हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे ग्रुप पे वर्क कर रहे हैं, सो यस प्लीज लुक फॉरवर्ड। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मुझे नहीं पता आगे कौन सा गाना फीचर होने जाता है, बट इस गाने को जितना प्यार दे सकते हो, जितना प्यार बरसा सकते हो, प्लीज बरसाओ, रिलीज बनाओ, जो आपको बनाना बनाओ, उतना बस उतना ही जितना प्यार दे सकते दीजिए। कैमरा मैन लाया, बहुत मेहनत की इस गाने के लिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।